फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस पुरानी जेगिंस की मोजे बनाने वाले हैं, जुराबे बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक पल्ला काटा है, इसे अब हम पैर में पहन के देखेंगे कि इसे मैंने किस तरह से नाप लिया है। ये मैंने 16 इंच लंबा काटा है, 16 इंच लंबा काटा हुआ है। मैंने ये ज़िप को सामने रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम ज़िप को पीछे रखते हैं तो बैठने के समय में ज़िप हमें चुभेगी, और यदि मैं साइड में रखती हूँ तो दोनों साइड में सिलाई पहले से लगी हुई है, जिसे मुझे साइड में रखना ही ज़रूरी है। सिलाई को मैंने साइड में रखा है। अब यहाँ से एड़ी का भाग हो गया, अब हमें इस भाग को इतना दबा देना है। तो इस तरह करके मैंने ये मार्किंग कर ली है कि मुझे कितना भाग कट करना है, और यहाँ से भी मैंने इस तरह गोलाई लेते हुए अंगूठा जहाँ तक गया वहाँ तक मैंने मार्किंग कर ली, और फिर से मैंने यहाँ अंगूठा बना लिया। अब इसी तरह हमें दूसरा पल्ला भी कट कर लेना है। ये ज़िप के सामने ही ज़िप आनी चाहिए इस तरह से। अब हमें ये दूसरा पल्ला भी कट कर लेना है। मैंने दो पल्ले कट कर लिए हैं, अब हमें पहले इस भाग को कट कर लेना है। ये केवल ऊपर का भाग कट होगा, पीछे का भाग कट नहीं होगा। ये पीछे का भाग नहीं कट होगा, ये आगे का भाग ही कट होगा इस तरह से, और ये दोनों पल्ले कट होंगे, पीछे का भी और आगे का भी। ये हमने कट कर लिया है, अब हमें इसे इस पर रख कर यह भाग यहाँ भी ड्रॉ कर लेना है और फिर कट कर लेना है। एक ही पल्ले पर ड्रॉ करके नीचे का पल्ला भी इस तरह कट कर लिया। अब जो बीच में का ये भाग था, इसे कट करने के लिए हम इस तरह उठाएंगे, ऐसे धीरे धीरे रखते हुए हमें ड्रॉ कर लेना है। फिर इस भाग को उठाकर इस तरह रखकर ये भाग हमें ड्रॉ कर लेना है। अब ये भाग भी हमें कट कर लेना है। अब ये जो हमने अंगूठे तक की मार्किंग की थी, अब हमें इसे इस तरह रखकर इसके पिछले हिस्से पर भी यह मार्किंग कर लेनी है। अब हमें इसे उल्टा कर लेना है। हमने इसे पलट लिया है, अब हमें ये दोनों हिस्से पकड़कर इस तरह मिलाते हुए यहाँ सिलाई लगा लेनी है। यदि आपके पास मशीन है तो आप मशीन से सिलाई लगा लीजिए, वरना हाथ के टाके से आप सिलाई लगा लीजिए। ये हमने सिलाई लगा ली है, अब इस तरफ हमें यहाँ से सिलाई लगाकर यहाँ तक नीचे आना है इस तरह। फिर यहाँ से थोड़ा सा इस तरह सिलाई लगानी है, और फिर हमें वापस यहाँ से आके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, फिर बाद में हमें यहाँ पर कट लगाना है। अब हमने ये भाग भी सिल लिया है, और ये सिलाई इस तरह से जाकर यहाँ तक हमने ली है। अब हमें इसमें कट लगा लेना है। ये हमने कट लगाया, और ये दोनों कोनों में भी एक छोटा छोटा सा कट हमें लगाना है। अब हमें इसे पलटा लेना है।